ऑलराइट हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकेंड एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट विद फैज। जो मेरी पहली वीडियो है उस पर जो रिस्पांस मिला है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब मैंने उम्मीद जितनी लगाई थी मुझे थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिल चुका है, एंड ऑब्वियसली मेरा कंटेंट चेंज हुआ है तो मैं ज़्यादा की अभी उम्मीद भी नहीं कर रहा। सो स्टिल जितना आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन हमारे इंडिया स्टेट में एक बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी भी है, और इसके ऊपर इतनी लड़ाई होती है, इतने झगड़े होते हैं, यहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करती है। यहाँ पे जो है मैं बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी नहीं, अपनी एक थ्योरी दूंगा, एंड वो प्योरली थ्योरी है, उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है, जो थ्योरी है, लेकिन और कुछ जो बातें करूंगा वो 100% फैक्ट है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डकोर फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आई नो मुझे बोलना चाहिए था मत देखे, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसी गलत बात नहीं बोलूंगा। अगर आपको वो चीज़ें गलत लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं ऑलवेज रेडी हूँ आप लोग का रिप्लाई करने के लिए। लेट्स जंप टू द वीडियो। एट फर्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एक चीज पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, जो कि है हम इवॉल्व होके बने हैं, हम लोग चिंपैंजी से इवॉल्व होके ह्यूमन बने हैं। अगर आप मानते रहेंगे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कि हमें किसी ने बनाया है, हम क्रिएटर ने बनाया है हमें, या किसी और लॉर्ड ने बनाया है, या किसी भी तरीके की जो चीज़ आप मानते हैं, अगर आप उसको बिलीव करेंगे तो आप जो मैं थ्योरी बोलने वाला हूँ आप उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि हम इवॉल्व हुए हैं, हम चिंपैंजियों से इवॉल्व हुए हैं, एंड इसके प्रूफ भी, साइंटिफिक प्रूफ भी अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि जो सर्चिंग वाली टीम होती है उन्होंने यूएस में बहुत सारी ऐसे एविडेंस देखे हैं जिसमें पता चलता है कि हम इवॉल्व हुए हैं। आपको डार्विन की थ्योरी या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी आपको माननी ही पड़ेगी। ये रिलीजन का खेल तभी स्टार्ट हुआ जब लोगों में बहुत ज्यादा दिमाग आने लग गया। फॉर एग्जाम्पल जो होमो सेपियंस थे उस टाइम के, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जब आग लगाई और आग जब बन गई, इन्वेंशन हुआ आग का, तो उन्होंने लगा ये गॉड ने किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे भी ट्राइब थे जो अलग अलग थे, तो किसी ने सोचा कि ये गॉड लोग हैं, तो उन लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ऐसी वो लोग चांद को गॉड मानने लग गए और तारों को गॉड मानने लग गए, और हर चीज को जो चीज अपनी विल पावर से चलती है उसे गॉड मानने लगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, प्लांट अपनी विल पावर से बड़ा होता है, एक इंसेक्ट अपनी विल पावर से बड़ा होता है, तो उन्होंने अपने टाइम पे मतलब उसको बोला कि ये जो विल पावर है इसको इन्होंने एक और शब्द बोला जो कि है स्पिरिट। एंड स्पिरिट हम आज की तारीख में भी बिलीव करते हैं स्पिरिट्स पे, कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा हेवन में चली जाती है या हेल में चली जाती है, मतलब स्वर्ग या नर्क में चली जाती है। ये बिलीव्स बहुत पहले से चलता आ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू कुछ टाइम बाद, जब पहली सिविलाइजेशन के अंदर हिंदुज्म स्टार्ट हुआ, हिंदुज्म एक हिंदू रिलीजन है जिसपे आज के टाइम पे 1.3 बिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, एंड थर्ड नंबर पे ये रिलीजन है। तो सबसे पहला रिलीजन जो था वो हिंदुज्म था, ठीक है। इसके प्रीचर्स बहुत ज्यादा थे, तो बेसिकली क्या हुआ, जो कुछ अच्छे लोग थे उन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी, फॉर एग्जाम्पल वेदास, ठीक है, उपनिषद। इसमें ऐसे मतलब चीजें थी कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, जो कि बहुत सही चीज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, उसमें किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में बता रखा है कि आपको एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी है। इधर जैसे ही हिंदुज्म स्टार्ट हुआ, इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, उसी के कुछ टाइम बाद बेथलम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। बेथलम में उनका जन्म हुआ, एंड फिर जेरूसलम में उनकी क्योरिफिकेशन हुई, एंड उसी के टाइम बाद क्रिश्चियनिटी भी आ चुकी थी। क्रिश्चियनिटी भी बहुत तेजी से फैल रहा था, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, एंड वो मक्का में पैदा हुए, एंड उसके बाद मुस्लिम रिलीजन आया। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हैं क्रिश्चियंस के, उसके बाद मुस्लिम, एंड उसके बाद हिंदुज्म, और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हिंदुज्म सेकेंड पोजिशन पे आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड उसके फॉलोअर्स एंड प्रीचर्स इंडिया में ही नहीं यूएस में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये फैक्ट है। अब इन्हीं सब के बीच में एक और रिलीजन था जो पेस पकड़ रहा था, वो था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे जो हमारे सिद्धार्थ थे, जो बेसिकली जो बुद्ध थे, ठीक है, उनके ऊपर मतलब उनकी प्रीचिंग्स यार इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी वर्डिंग्स हैं, इतनी अच्छी लाइफ को जीने का एक तरीका है, लेकिन लोग, बहुत कम लोग उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी मुस्लिम रिलीजन है, एक
प्योर मुस्लिम बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप वो पूरे करेंगे तो मे बी आप दुनिया की एक अच्छी ह्यूमन रेस बन सकते हैं। वैसे ही बुद्धिज्म में भी ऐसा है एंड वैसे ही हिंदुज्म में भी ऐसा है, लेकिन क्या है टाइम टू टाइम वो चीजें बदलती जा रही हैं। ठीक है, सो जब आप लॉर्ड बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि उन्हें जब दिख रहा था उनके पास सारी चीजें थी यार। वो जब जाते थे अपने गांव में तो वो देखते थे गरीबी देखते थे और लोगों की टेंशन, लोगों की परेशानियां देखते थे। ठीक है, और उनके बिलीव्स देखते थे क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि बिलीव्स की वजह से लोग बहुत बुरा फंस जाते हैं। यहाँ तक इंडिया में अब तक लोग हिंदू और मुस्लिम बिलीव्स के ऊपर बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, केसेस में, लड़ाइयों में, दंगे में एंड बहुत ज्यादा। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ ये सब चीजें इंडिया से खत्म हो जाए। सो अगर आप देखेंगे तो ऐसी जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी प्रीचिंग्स अच्छी थी, उनकी जो वर्शिप तरीके थे और बताने का तरीका था और लाइफ जीने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। तो लोग जो अगर आप लोग किसी से अलग मानेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अलग हूँ, ठीक है, मैं मेरी जो अच्छी चीजें हैं वो इतनी अच्छी है कि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। सो क्या होता है उस बंदे को एक आइडल बना दिया जाता है एंड जब वो बंदा आइडल बन जाता है तो वो उसकी मर्जी है, वो कोई भी रिलीजन बना सकता है। जहां तक कि मैंने पढ़ा है जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद क्रिश्चियन रिलीजन ज्यादा बढ़ा था, जब उनका टाइम था उस टाइम वो रिलीजन इतना नहीं बढ़ा था। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ऑब्वियसली मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ सही होगा। ठीक है, सो उसके बाद वो इतना बड़ा था। तो ऐसी बुद्धिज्म में था जो लॉर्ड बुद्ध थे उनका, वो अकेले ऐसे बंदे थे जिनकी प्रीचिंग बहुत अच्छी थी एंड उनके अकॉर्डिंग उन्हें आइडल माना गया क्योंकि वो दूसरे लोगों से अलग थे तो इसलिए उनको एज अ गॉड माना गया एंड वो रिलीजन बना। ऐसी बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा ही है। सो अब बात करते हैं मेरी थ्योरी की, सिर्फ मेरी थ्योरी क्या है जो मुझे लगता है। सो मेरी थ्योरी ये है जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, सो हम अगर किसी अच्छे बंदे को देखते हैं जो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा अच्छा है, मैं अभी इस टाइम पे मैजिकल पावर्स की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता मैं उस टाइम में पैदा नहीं हुआ था तो मुझे नहीं पता वहां पे मैजिकल पावर्स होती थी या कुछ ऐसा होता था या नहीं, बट मैं मिरेकल पे बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज देखी है जो मिरेकल थी ना कि मैजिक थी। मिरेकल्स होते हैं यार, किस्मत होती तो होता है। ठीक है, सो मैं बिलीव करता हूँ कि हम में से कोई एक ऐसा आदमी ऐसा होता है जो हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है इंटेलिजेंस में, अपने दिल से और अच्छे कामों में। सो जब हम ऐसे लोग को देखते हैं ना तो हमारा मन करता है हम उसके जैसे बने। सो जब हम सोचते हैं यार उसके जैसे बने तो हम उसको अपना आइडल मान लेते हैं। सो जब उसे आइडल मान लेते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अगर वो बंदा बोले ना कि मतलब ये फॉलो करो ये करो, या अपनी वो उस जो कम्युनिटी बनाता है उसको अगर कुछ नाम दे दे तो वो एक रिलीजन बन जाता है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर वो अपनी कम्युनिटी को रिलीजन नाम दे देता है तो वो एक रिलीजन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी एक को ही बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट एंड उनका नाम है सचिन तेंदुलकर क्योंकि वो लोगों से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा लोग उनकी पूजा करते हैं, आई गेस पूजा भी करते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो हम लोग से अलग है। वो बहुत अच्छा खेलते थे क्रिकेट एंड बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है और वो लोगों से अलग थे इसलिए उनको एक आइडल बनाया गया एंड कुछ लोग उसने बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही मैसी का एग्जाम्पल ले लो, वो इतना अच्छा खेलता है कि भाई उसके आगे भी लगाया है गॉड ऑफ फुटबॉल। सो ये यही है कि लोग जब देखते हैं, बिलीव्स देखते हैं, लोगों को अगर कोई चीज पसंद आती तो उन्हें अपना आइडल बनाते हैं। तो रिलीजन इसी के बेसिस पे स्टार्ट हुआ है एंड 90% ऑफ द टाइम जो किताबें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों पे लिखी गई हैं। तो ये है मेरी थ्योरी कि रिलीजन सिर्फ एक इंसान है जिसने एक अच्छे काम किए हैं और उसको बनाया गया है। सो इसको अपने दिल पे लेके किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी अच्छी चीजें भी फॉलो करो। और सेकंड मेरा ये भी मानना है कि आने वाले कुछ टाइम में मे बी मैं मर जाऊं या उसके बाद, या फिर हो सकता है 2050 2070 में एक और नया रिलीजन आ सकता है जो कि ऑब्वियसली मेरे जैसा बंदा बना सकता है या आपके जैसा कोई भी बंदा बना सकता है, कोई भी एक नॉर्मल बंदा बना सकता है जिसकी सोच बहुत अच्छी होगी और उस रिलीजन का नाम होगा जो कि आज के टाइम में भी है, और उस रिलीजन का नाम होगा इंसानियत। इंसानियत ऐसा रिलीजन है जो मुझे लगता है हर किसी को अपने मेन रिलीजन से पहले उसको फॉलो करना चाहिए। अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो तो बेसिकली तुम अपने अच्छे रिलीजन को भी नहीं फॉलो कर सकते एंड किसी का भी रिलीजन गलत नहीं होता और किसी का भी रिलीजन आपको गलत चीजें नहीं सिखाता है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमें बाइफिकेट करने के लिए, अपना मोटिव और एजेंडा बनाने के लिए ये सब करते हैं। सो एट लास्ट मैं अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना चाहूंगा जो कि है मैं बचपन से हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, मतलब हिंदू कम्युनिटी के आसपास रहा हूँ। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हिंदू हैं एंड पंजाबी हैं एंड इवन मुस्लिम भी हैं। ठीक है, एंड मेरा जो घर है मतलब वो प्योरली मुस्लिम है, मतलब मेरी मॉम
पूरी मुस्लिम है, फुल रिलीजन को फॉलो करती हैं, बट मेरे मामा ने मुझे कहा कि इसके दिल में जब तक वो बात आएगी ना तभी ये फॉलो करेगा, एंड ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं उस रिलीजन को फॉलो करने लग गया। ठीक है, लेकिन वही है, मैं एक अच्छा मुसलमान तभी तक बन सकता हूँ जब मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। तो अभी मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू अच्छा मुसलमान। जब मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा तो मे बी मैं एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा क्रिश्चियन या एक अच्छा दूसरे रिलीजन का बंदा बन जाऊंगा। सो ये मेरे ऊपर है। सो बिफोर कुछ भी आप रिलीजन फॉलो करो, सबसे पहले इंसानियत फॉलो करो। मुझे इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे रिलीजन के ऊपर टोंट मारे, लेकिन आज के टाइम में जब मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्लिम को एज अ टोंट मारते हैं कि मतलब टेररिस्ट है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन मैं तो अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेके चलता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी अच्छे हैं जो इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बेसिकली एक अच्छे इंसान है। ठीक है, ऐसी ये नहीं कह रहा कि हिंदू लोग को नहीं बोलते। ऑब्वियसली अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा इस पे कि ऐसे आईटी सेल्स ऐसे हैं जो इतनी फालतू की बातें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो वहां पे मुसलमान लोग भी बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं हिंदू लोगों को। ठीक है, सो मैं एट द लास्ट में यही कहना चाहूंगा, प्लीज बी अ गुड ह्यूमन बींग बिफोर प्रीचिंग एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करें उससे पहले एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, रिलीजन सिर्फ एक इंसान है भाई जिसने एक अच्छे काम किए और उसको भी बनाया है। तो आप भी अपना रिलीजन बना सकते हो, डजेंट मैटर, अगर आप के अंदर हिम्मत है, आपका दिल साफ है और आप अच्छी चीजें कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड मैंने आपको बोर ना किया हो। सो ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो आएगी इल्यूमिनाटी के ऊपर, काफी लोग जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, सो कुछ फैक्ट्स हैं जो नहीं पता उनको, मैं वो बताऊंगा। इल्यूमिनाटी के बारे में बात करेंगे एंड हैकिंग वीडियोस भी आ रही है। सेकेंड चीज, मेरा ऐप आ चुका है, वो भी आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। टिल देन डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी एक मैन गाइस, बाय।